हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। नहीं लबसर सिले कमस्ती अड्डा से और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो जैसा कि आप सबको पता है और आज का जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं, डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के बारे, और उस प्यारा सा टॉपिक है जो सीधे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय गवाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तैयार की अल्काइल लाइट को कैसे बनाया जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्काइल लाइट फ्रॉम वेरियस मेथड, यानी अल्काइल लाइट को बनाने का जो मेथड था, अलग अलग प्रिपरेशन करने का जो मेथड था, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और आज का जो सेशन है, अभी का जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं या जो क्लास होने वाली है, उसमें सीखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड जो है वो अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो नया कंपाउंड क्या बनाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अल्काइल हैलाइड आपके सामने बनाया गया है, अल्काइल हैलाइड आपको दे दिया गया है, और अल्काइल हैलाइड को अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग केमिकल के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो नया प्रोडक्ट क्या बनता है। तो चलिए, समय कम है और हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और आज का जो मुद्दा है हम लोग का, वो क्या है, क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, और अभी का जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं, अभी का जो क्लास चलने वाला है, उसमें सीखेंगे कि अल्काइल हैलाइड बन गया है, अब उसका केमिकल रिएक्शन क्या किया, वो कहाँ कहाँ रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और कौन से नए कंपाउंड का निर्माण करता है। खास करके ये क्लासेस जो है 12 के जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इसका जो फॉर्मूला है वो था R बॉन्ड X। केमिकल फॉर्मूला क्या था, R बॉन्ड X। इस R के जगह आप CH3 भी रख सकते हैं, X के जगह Cl रख सकते हैं, R के जगह C2H5 रख सकते हैं, X के जगह Br रख सकते हैं, यानी R मीन्स अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रख सकते हैं, और X मीन्स आपका हो जाएगा हेलोजन एटम, ठीक है। तो हेलोजन एटम में बहुत सारे हेलोजन एटम आपको पता होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लियर माइंड स्टूडेंट? तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके रिएक्शन को देखेंगे, समझेंगे कि अल्काइल हैलाइड की कितने केमिकल रिएक्शन है, और जितने भी रिएक्शन आपको बताया जा रहा है उन सारे रिएक्शन को एक बार रिवाइज कर लेना है। और उम्मीद करते हैं सारे के सारे रिएक्शन आपको समझ में क्लियर आ जाएगा, और जहां दिक्कत होगा नीचे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन कराना है, देखिए, रिएक्शन विद KOH, यानी अल्काइल हैलाइड को पहला रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ। ध्यान दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, R1X होता है। क्या होता है, R1X होता है, और अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराना है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आराम से धीरे धीरे हम लोग स्टेप को बढ़ाएंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, एकदम टेंशन फ्री से, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है आपका, R बॉन्ड X, और इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, KOH के साथ। तो KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा उस पर फोकस कीजिएगा। लेकिन जी हाँ, एक बात याद रखिए, ये जो KOH दिया हुआ है ये आपका एक्वस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोलते जलीय फॉर्म, यानी वाटर मिला हुआ है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है आपका, वाटर जो है कुछ अमाउंट में मिला हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है। जैसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से हेलोजन एटम, यानी के और एक्स जो है आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, के एक्स चला गया बाहर, और बचा क्या, आर बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर बन जाएगा आपका एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब इस R के जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, X के जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो जो पुट कीजिएगा वही आपको यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा, रिएक्टेंट में आप
आर और एक्स के जगह जो भी आप पुटअप कीजिएगा प्रोडक्ट में भी आपको दिखाई देगा। देखिए आर की जगह आप सी एच थ्री रख सकते हैं, आर की जगह सी टू एच फाइव रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके आगे अपने से दो चार एग्जांपल आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर जनरल रिएक्शन दिखा दिए आपको कैसे होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद KOH, फिर से मैंने ले लिया KOH, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये अल्कोहलिक के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अल्कोहलिक के फॉर्म में है। पहला वाला रिएक्शन किस फॉर्म में था? एक्वस के फॉर्म में था। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर इस नंबर टू में, यहाँ पर क्या है आपका जो KOH है उसमें अल्कोहल मिला हुआ, क्या मिला हुआ है? अल्कोहल मिला हुआ। और अल्कोहल मिलाने के बाद फिर उसको जब अल्काइल साइड के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अल्काइल साइड दिया रहेगा आपका प्लस KOH दिया रहेगा, और एरो में जो लिखा हुआ रहेगा ना वो अल्कोहलिक लिखा हुआ रहेगा या अल्कोहल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दिया रहेगा और बोलेगा क्वेश्चन मार्क, इसको कंप्लीट करना आपको, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो माइंड में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स, देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12 में आ चुके हैं, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है हर सब्जेक्ट में, यानी कि केमिस्ट्री का ही बात किया जाता है, फिजिक्स की बात हो, मैथ की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में याद रखना पड़ता है कि इस वजह से इसमें ये होता है, वहां पर रीजन के बाद नहीं होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को जब KOH के साथ रिएक्शन करा रहा है अल्कोहलिक फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बनता है? एल्कीन बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स एल्कीन बनाने में डबल बॉन्ड, एल्कीन का मीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको कितना कार्बन चाहिए? एल्कीन बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? कम से कम दो कार्बन चाहिए। कितना कार्बन चाहिए? कम से कम दो कार्बन चाहिए, तभी आपका एल्कीन बनेगा। तो आर की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको दो कार्बन के लिए? इथाइल रखना पड़ेगा, C2H5। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे आर की जगह? C2H5 रखेंगे। क्या रखेंगे? C2H5 रखेंगे। और एक्स की जगह हम ब्रोमीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, और है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। देखिए आर की जगह हम क्या ले लिए? C2H5। एक्स की जगह Br। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या उठता है विनोद, कि सर आर की जगह आप CH3 क्यों रखें? क्योंकि आपने तो बताया है कि आर की जगह CH3 C2H5 दोनों रख सकते हैं। जी मैंने सही बताया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस रिएक्शन में बनता क्या है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। और एल्कीन बनने के लिए हमको कम से कम दो कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? दो कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन में कैसे डबल बॉन्ड बनने लगेगा अपने आप में? दिस इज नॉट पॉसिबल। देन यू हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ आर, दैट इज C2H5। तब आपको क्या रखना पड़ेगा? C2H5 रखना पड़ेगा आर की जगह। और एक्स की जगह ब्रोमीन ले लिया मैंने। अब KOH के साथ रिएक्शन कराना है, अल्कोहलिक फॉर्म में है, तो जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा आपका, देख सकते हैं ये हो गया आपका अल्कोहल। तो सेम यहाँ से K और यहाँ से Br, ये चला जाएगा आपका KBr बन के बाहर। और यहाँ से देखिएगा एक यहाँ से फाइव हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया। क्या किया? यहाँ पर पांच था, एक निकाल दिया, और यहाँ से OH को मैंने निकाल दिया। तो एच और OH मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया। अब यहाँ पर बचा क्या? C2H4 बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया है, तो C2 क्या बचा? H4 बचा। और दिस इज कॉल्ड एल्कीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। नंबर थ्री की ओर आगे बढ़ा जाए तो नंबर थ्री में देखेंगे क्या बनेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा। नंबर थ्री में करा दो रिएक्शन विद AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड देन व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट व्हाट्स यू आस्क्ड क्वेश्चन। The question you have to ask, what happened when alkyl halide is react with AgOH? क्या होता है जब alkyl halide को AgOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है? तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो ये जो X है ना, alkyl halide का जो X है, alkyl halide का R bond X होता है, पर ध्यान देना alkyl halide का R bond X, तो alkyl halide ले लिया मैंने प्लस AgOH के साथ क्या करा रहा है?
रिएक्शन करा रहा। तो ये जो एक्स है एजी को बुलाता है, एजी आइए, क्या बोलता है, एजी आइए। अब एजी रेडी हो जाता है जाने के लिए। तो यहाँ पर एजी जब एक्स के पास चला जाएगा तो बन जाएगा एजी एक्स, एजी एक्स बना कि नहीं बना, जी सर, बचा आर और यहाँ पर क्या बचा, ओ एच, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो बन जाएगा आर वन ओ एच, और इसको बोलते हैं एल्कोहल, यानी नया प्रोडक्ट क्या बना आपका, एल्कोहल बना। इस आर की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब तुम भी बैठ जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और एक्स की जगह बैठा लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गया भैया। तो यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नंबर थ्री यानी रिएक्शन नंबर थ्री तक आप पूरी तरह क्लियर है, और क्लियर है तो नंबर फोर आगे बढ़े जैसी आपकी इजाजत हो। चलिए नंबर फोर की अगर देखा जाए तो नंबर फोर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। रिएक्शन विथ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा और कैसे क्या करना है। एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराना आपको, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स, क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स, और इस एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे Ag2O के साथ। और ये जो Ag2O है ये किस फॉर्म में है, हॉट के फॉर्म में, यानी गर्म है। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है वो कैसा है, गर्म है, ठीक है विनोद, तो क्या है, गर्म है। और जैसे रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, हॉट के फॉर्म में है, और जब रिएक्शन कराएंगे तो जब भी हॉट के फॉर्म में रहेगा सिल्वर ऑक्साइड, कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, लेके बैठिएगा, नहीं तो सीधे चल जाएगा कहाँ, बोरा में, समझ रहा है ना विनोद। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी हॉट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कि सिल्वर ऑक्साइड हॉट के फॉर्म में है तो एल्काइल हैलाइड 2 मोल ले लेना, कितना मोल लेना, 2 मोल लेना, कान खोल के सुन लो और ध्यान से कहीं पर नोट कर लो रोड में, ठीक है, कि जब भी हॉट के फॉर्म में रहेगा तो एल्काइल हैलाइड आपको कितना मोल टेकअप करना है, 2 मोल लेना है, कितना मोल, 2 मोल। अब जैसे ले लेंगे तो एक्स किसको बुलाएगा, एजी को, एजी आइए, अब एजी चला जाएगा, यहाँ से 2 एजी और यहाँ से 2 एक्स, एजी एक्स बन जाएगा, एजी एक्स, यहाँ पर 2 एजी है 2 एक्स है, यहाँ पर 2 लगा देना, क्लियर हो गया। बचा क्या, आर ओ आर, आर ओ आर, दिस इज कॉल्ड ईथर, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में है रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड, फिर से ले लिया मैंने, लेकिन ये मॉइस्ट के फॉर्म में, वो था हॉट, ये हो गया ठंडा, कोल्ड। मॉइस्ट में क्या था, मॉइस्चर, नमी, यानी उसमें वाटर मिला हुआ, फिंगा हुआ, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और कैसा सिल्वर ऑक्साइड रहेगा आपके सामने, मॉइस्ट वाला सिल्वर ऑक्साइड रहेगा, नमी के फॉर्म में सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ, ठीक है। और जैसे रिएक्शन करेगा तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे देखेंगे। चलिए रिएक्शन को कोशिश कीजिएगा समझिए, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड प्लस Ag2O और एरो में दिया रहेगा मॉइस्ट, बोलेगा इसको कंप्लीट करो, सेम ही रिएक्शन आपके सामने एग्जाम में इसी टाइप के रिएक्शन आपको पूछा जाएगा। एल्काइल हैलाइड की जगह कुछ भी रह सकता है, समझ गए ना, कुछ भी मतलब आलू गोभी टमाटर बैगन नहीं रहेगा, ठीक है, गुपचुप रह सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है इस आर की जगह CH3 और C2H5 हो सकता है और इस एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। अब देखिए इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, जब बनाएंगे, इसको कंप्लीट करना है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड बट इन दिस रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड इज एट इज प्रेजेंट इन मॉइस्ट फॉर्म, नमी के फॉर्म में, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। देन स्टेप 1, दिस रिएक्शन विल टेक पार्ट इन स्टेप 2, ठीक है, दैट मींस 2 स्टेप्स दिस रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये रिएक्शन कितना स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, देन स्टेप 1 एंड नाउ स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना है आपको कि सबसे पहले मॉइस्ट और Ag2O को रिएक्शन कराना, ध्यान दीजिएगा, मॉइस्ट और Ag2O को रिएक्शन कराना है, एकदम आराम से समझो, प्यार से समझो, दिल लगा के समझो, मन लगा के समझो। सबसे पहले ये जो Ag2O है वो मॉइस्ट के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करा दो स्टेप 1 में Ag2O प्लस मॉइस्ट,
और मॉइस्चर मींस क्या बताया मैंने, नमी, मॉइस्चर, वाटर यानी वाटर H2O के साथ HOH लिख सकते हैं हम लोग, और रिएक्शन करके बना देगा AgOH, क्या बना देगा AgO। यहाँ पर दो Ag है तो यहाँ दो लगा देना, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो, कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या था, देखिए ये दोनों तो आपस में रिएक्शन किया पाते, ये दोनों रिएक्शन करके ये बना दिया, अब बच गया था ये, तो जब जो बना यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, यानी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, AgOH के साथ, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो Ag को बुलाएगा X, Ag आइए, तो Ag चला गया AgX के फॉर्म में, और बचा R और OH, यहाँ पर बन जाएगा आपका एल्कोहल, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है मॉइस्चर रिएक्शन, ये आपका दो स्टेप में कंप्लीट होगा, कितना स्टेप में होगा, दो स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को अंतिम पॉइंट तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए, और कहीं दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी। ध्यान दीजिएगा, अब अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यानी रिएक्शन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, अब सीधे आगे बढ़ाते हैं, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एग्जांपल 6 यानी रिएक्शन नंबर 6, और रिएक्शन विद क्या है, KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड को, किसको, एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराना आपको KCN के साथ, कुछ नहीं करना है, सारे के सारे रिएक्शन आपको गाजर का हलवा है जी, आपको पीछे नहीं हटना है प्यारे मेरे प्यारे छात्रों, आपको पीछे नहीं हटना। जिस प्रकार चाय पीते समय, आप चाय पीते समय अनेकों बार यानी बहुत बार आपने देखा है कि जीभ जल जाता है, लेकिन चाय पीना आप लोग नहीं छोड़ते, सर हम चाय नहीं पीते, नीचे कमेंट में आ रहा कुछ बच्चे कि सर हम चाय नहीं पीते, कोई दिक्कत नहीं पी लीजिएगा, नहीं पीते, तो चाय पीते समय देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, जीभ जल जाता है, लेकिन पीना हम लोग नहीं छोड़ते। उसी प्रकार जो है आप जिस लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, देखा गया है कि कुछ कम नंबर आ जाता है टेस्ट वगैरह में या एग्जाम वगैरह में, चाहे कम नंबर आने के बाद गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो उस प्रकार की गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है, क्योंकि दो बार तीन बार आप कोशिश कीजिएगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो फिर कोई बात नहीं, रिएक्शन नंबर 6 में हम लोग क्या है, अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराना है, अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्शन कराना है। तो जो कहानी था उसमें समझ में आया, विनोद क्या करना है कि आप कितने भी बार पीछे हट जाए, लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है, पीछे आपको हटना नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, लेकिन चौथा बार आप जरूर आगे बढ़िए, इसलिए डोंट मूव टू बैकवर्ड्स, ठीक है, बैकवर्ड में नहीं जाना, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा KCN के साथ, किसके साथ, KCN के साथ, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो K और X यहां से बाहर जाएगा, तो चला गया K और X बाहर, और बचा क्या, R और CN, तो R और CN आपस में मिलकर बना देगा एल्काइल साइनाइड, क्या बना देगा, एल्काइल साइनाइड। अब इस R के जगह कुछ भी आप रख लीजिए, चाहे X के जगह कुछ भी रख लीजिए, तब से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इन द प्लेस ऑफ आर यू हैव टू पुट CH3CH2CH3CH7, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 7 यानी रिएक्शन नंबर 7 की बात किया जाए, तो यहाँ पर था पोटेशियम साइनाइड के साथ, अब कराना है सिल्वर साइनाइड के साथ, किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। तो सिल्वर साइनाइड के साथ जब कराएंगे एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराना है सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार एक्स किसको बुलाएगा, ए जी आइए, अब ए जी तो जाना ही है, जी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब ए जी जब बुलाया ए जी को एक्स, तो चला गया तो बन गया ए जी एक्स। अब यहां पर बचा क्या, आर और सी एन, यहां पर भी देखो बचा था आर और सी एन बना एल्काइल साइनाइड, दोनों आपस मिल गया, लेकिन इस रिएक्शन में जब सिल्वर साइनाइड रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में डबल टिक लगा लोगे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब सिल्वर साइनाइड के साथ होता है तो एल्काइल साइनाइड नहीं बनता है, वहां उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है, क्या रिवर्स होता है, देखो R और CN बचा, तो यहाँ पर जो ये जो CN है ना, ये CN आपस में इंटर एक्सचेंज कर लेता है, यानी N और C आ जाता है, तो R बन N C,
ठीक है, यहाँ पर है सी एन, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो वह इंटरचेंज हो जाता है, एन चला जाता है आगे और सी चला जाता है बोरा में पीछे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। जब सी एन था तो एल्काइल साइनाइड, जब एन सी आ गया तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ माई गॉड एम सी, दिस इज नॉट माई गॉड, दिस इज मैग्नीशियम, ठीक है, नहीं तो सीधे चल जाएगा, समझिए कहाँ जाएगा। तो एल्काइल हाइड को रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम के साथ, माई गॉड के साथ नहीं, मैग्नीशियम के साथ। तो एल्काइल हाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स प्लस क्या लेना है आपको, मैग्नीशियम लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, किसका प्रेजेंस में, ड्राई इथर का प्रेजेंस, ठीक है। अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कुछ नहीं होगा, ये Mg को अंदर में घुसा दो, बीच में सीधे सीधे बीच में घुसा दो, जैसे घुसेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर एम जी एक्स, अरे एक्स को पीछे ठेल दिया ना, ये Mg चला गया बीच में तो बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड This is called green reagent. Okay? Next reaction है अमोनिया के साथ, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया को रिएक्शन कराना है अल्काली हैलाइड के साथ, चाहे अल्काली हैलाइड को रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ, बात सेम है। जैसे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा उसको अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो ये रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप वन, एल्काइल हैलाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का हम लोग तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं, अरे NH3 है तो अमोनिया ही है ना, तो जैसे रिएक्शन होगा तो यहां से H और यहां से X, यहां से H और यहां से X, ये H और X मिलकर चला जाएगा एच एक्स, बाहर चला गया। अब ये जो हाइड्रोजन हटा यहां पर, ये हाइड्रोजन जो हटा तो इस हाइड्रोजन के पास कौन चला जाएगा, ये R चला जाएगा, तो बन जाएगा R N H 2, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमिन, और इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमिन कहते हैं। स्टेप 2, ये जो बना 1 डिग्री एमिन इस ससुरा को फिर लेके आओ, नीचे जा रहा था इसको लेके आना है नीचे, बोल दो जाने का टाइम नहीं हुआ अभी बैठो। अब इसको यहां पर जब लेके आएंगे R N H 2 को, ठीक है, इसको रिएक्शन करा दो फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे रिएक्शन कराएंगे यहां से एच और यहां से एक्स, फिर ये एच और एक्स बाहर जाएगा और फिर ये आर यहां पर घुस जाएगा कि नहीं, अरे एच हट रहा तो एच का जगह कौन जा रहा, आर जा रहा, रिप्लेस होकर यहां पर बन जाएगा आर एन आर एच, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमिन। स्टेप 3 की अगर बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो बना उसको फिर लेके आओ ससुरा को, यहाँ पर जो बना उसको फिर लेके आओ स्टेप 3, तो लेके आएंगे फिर स्टेप 3 में आर एन आर एच, और इसको फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो, अगेन अल्काइल हैलाइड, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहां से एच और यहां से एक्स, क्या बनेगा, एच और एक्स, यहाँ पर H और X, और फिर ये R आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा R N R R, this is called 3 degree amine, ठीक है। तो step 1 में 1 degree, 2 degree और step 3 में finally 3 degree amines बनता है, और इस process को, इस reaction को हम लोग क्या कहते हैं, ammonolysis कहते हैं, याद रखना, ammonolysis, this process is called ammonolysis। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी रिएक्शन नंबर 9 तक आपको पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और हो गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर हमको कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक यहां तक नोट कीजिए, 2 मिनट का वेट ब्रेक लेते हैं, तब तक बने रहे मेरे साथ। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी रिएक्शन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब धीरे धीरे फिर से हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सफर, हम लोग मोहब्बत का जो सफर है वो कहां तक पहुंचता है। नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो इसके बाद कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे डिस्कस करेंगे, कुछ
जो है इस चैप्टर में, यानी अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है आपका, उसमें बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन दिया गया है, इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो एग्जाम में हर साल कभी कभी क्या करता है, पूछ लिया जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और नेमिंग रिएक्शन क्या होता है कि एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन या तो नेम के फॉर्म में ऑलरेडी दे देगा, ठीक है, ऑलरेडी नेम के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, या फिर उसी को रिएक्शन के फॉर्म में दे देता है और बोला जाता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो कुछ नेमिंग रिएक्शन जैसे आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा उन सारे नेमिंग रिएक्शन के बारे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो नेमिंग रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो 10 से स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग 9 तक कंप्लीट किए थे, 10th में ऊर्ज रिएक्शन, क्या नाम है इसका, ऊर्ज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है पहले इसके बारे डिस्कस करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है 2 मोल। तो अल्काइल हैलाइड ले लिए 2 मोल, एग्जाम में आपको 1 ही मोल दिया रहेगा, लेकिन लेना आपको कितना मोल, 2 मोल लेना है। मान लो यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड दे दिया, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ ड्राई इथर का प्रेजेंस में, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई इथर का प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो जब भी सोडियम और ड्राई इथर रहता है रिएक्शन में, जब भी सोडियम और ड्राई इथर रहता है तो कितना मोल अल्काइल हैलाइड लेना आपको, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना। ये जो है ये आपको 2 मोल लेना, 2 मोल लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्काइल हैलाइड कितना लेना है, 2 मोल लेना है, ठीक है। एग्जाम में 1 ही मोल रहेगा लेकिन आपको लेना 2 मोल, तो ले लिए 2 मोल अल्काइल हैलाइड। अब इसको जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Na और X को बाहर निकाल दो, सोडियम को X के साथ तैयार हो जाता है, तो यहाँ से निकल गया NaX, सर यहाँ 2X है तो इसके आगे 2 लगा दो, जैसे सोडियम 2 हुआ तो इसके आगे 2 लगा दो, अब बचा 2 R, ये दोनों आपस में बन जाएगा R1R, तो इसको कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन, ठीक है। ये हो गया आपका ऊर्ज रिएक्शन। 11 में बात करते हैं तो ऊर्ज के पास एक आता है फिटिज रिएक्शन, क्या आता है, फिटिज रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, सेम इसमें भी, खाली इसमें क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, अल्काइल हैलाइड लिए थे। अब इसमें ले लेंगे एराइल हैलाइड, हालांकि एराइल हैलाइड एक टॉपिक है, अभी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, तो सेम कुछ कुछ रिएक्शन जो है मर्ज करके दे दिया गया, हालांकि इसके टेंशन लेना नहीं है। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो है आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और उसका वीडियो आपको दे रहे हैं। तो फिटिज रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एराइल हैलाइड लेना है, एराइल हैलाइड आपको 2 लेना है, 2 मोल, और इसको रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ ड्राई इथर में, ड्राई इथर का प्रेजेंस में। तो एराइल हैलाइड का मतलब होता है बेंजीन और एक्स, यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है आर और एक्स, अल्काइल का मींस आर और हैलाइड का मींस एक्स, तो आर बॉन्ड एक्स हो गया अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या है, एराइल हैलाइड, तो एराइल का मींस होता है बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, और हैलाइड का मींस हो गया एक्स, लेकिन लेना कितना मोल, 2 मोल लेना है, तो 2 ले लेना है एराइल हैलाइड, और इसको रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ, किसका प्रेजेंस में, ड्राई इथर का प्रेजेंस में। तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaX, सेम वैसे ही निकल जाएगा NaX, यहां पर 2 लगा देंगे 2 मोल X के लिए, जैसे 2 लगा तो यहां भी 2 लग गया, अब दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, यहां पर क्या बचा, 2R बचा, तो 2R मिल के R1R एल्केन बना लिया। अब यहां पर 2 बेंजीन बचा, फिनाइल, देखिए बेंजीन में बॉन्ड आ गया मतलब क्या होता है, फिनाइल, अब 2 फिनाइल आपस में मिल जाएगा तो बन जाएगा डाइफिनाइल, यहां से 1 फिनाइल इधर आएगा और 1 फिनाइल इधर जाएगा तो बन जाएगा डाई फिनाइल, दिस इज डाई फिनाइल। 12th नंबर की बात करते हैं हम लोग, सारे नेमिंग रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को मिला दो, अभी हम लोग पढ़े ऊर्ज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड 2 लेना था, फिटिज रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड लिए, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड लिए, फिटिज रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, यानी ऊर्ज फिटिज रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऊर्ज फिटिज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिज रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिज रिएक्शन में क्या होता है, देखिए ऊर्ज के लिए हम लोग यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड आर बॉन्ड एक्स, ऊर्ज के लिए क्या होता है आर बॉन्ड एक्स, और फिटिज के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बेंजीन और एक्स, बेंजीन और एक्स, और दोनों को सोडियम के साथ करा दो ड्राई इथर का प्रेजेंस में,
ठीक है, ड्राई इथर का प्रेजेंस में। तो यहाँ से सेम वैसे ही सोडियम और एक्स मिलके बाहर चला जाएगा, NaX यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2X है यहाँ पर 2 लग जाएगा, बन जाएगा R और बेंजीन। तो R बॉन्ड बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एल्काइल बेंजीन। क्या बन गया? एल्काइल बेंजीन बन गया। 30 नंबर की अगर बात किया जाए तो एक आता है स्वाट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन, ध्यान देना। तो स्वाट रिएक्शन में होता क्या है और कैसे क्या करना है, थोड़ा सा इस पे भी फोकस किया जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड को मेटल फ्लोराइड के साथ, M से मेटल, F से फ्लोराइड, ध्यान देना, M से मेटल, F से फ्लोराइड। तो जैसे ही एल्काइल हैलाइड को मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका प्रेजेंस में? Hg2 I2 या Cl2 कुछ भी रह सकता है, Hg2 Cl2 Hg2 I2 Hg2 Br2 का प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो ये M और X आपस में मिल जाता है तो बन जाएगा MX, M और X चलाएंगे, बचा R और F, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा R और F एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। 14 की अगर बात किया जाए तो 14 में आ जाता है आपका, यहाँ पर हो गया वो रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, और छोटी रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हंसबीकर रिएक्शन, ठीक है। चलिए 14 में देखो, इधर 14 में फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है एसीटोन का प्रेजेंस में। किसका प्रेजेंस में? एसीटोन का प्रेजेंस में। और एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो याद कर लेना, ठीक है। देखो एसीटोन का जो फॉर्मूला कभी-कभी पूछ देता है, CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन का। यहाँ पर देखो एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा रहे सोडियम आयोडाइड के साथ। लैंग्वेज कोशिश करना अपने से लिखने का, क्योंकि इतना मेहनत से बता रहे हैं सेंटेंस चाहे वर्ड, तो उसको कन्वर्ट कर लेना सेंटेंस में कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू गिव, जो भी देगा आपको आलू गोभी गाजर बैगन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोडियम क्या है, एक्स के साथ मिल जाता है, यहाँ पर बना देगा NaX, और बचा R और I आयोडीन, तो बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल आयोडाइड। 15 की बात करते हैं तो 15 में आता है हंसबीकर रिएक्शन। हंसबीकर रिएक्शन, हंसबीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट को, किसको? सिल्वर कार्बोक्सिलेट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl4 का प्रेजेंस में। देख लो सिल्वर कार्बोक्सिलेट का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला RCOOH, क्या होता है? RCOOH। सिल्वर कार्बोक्सिलेट को किसके साथ रिएक्शन कराना है? ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। किसका प्रेजेंस में? CCl4 का प्रेजेंस में। जैसे रिएक्शन होगा तो यहां से ब्रोमीन क्या करता है, Ag को बुलाता है, Ag आइए। तो ये ब्रोमीन जो है और ये Ag जो है आपस में दोस्ती करता है और क्या बाहर जाता है, AgBr, ये रिमूव हो गया। और क्या बाहर गया? देखिए यहाँ पर COO यानी CO2, तो ये CO2 भी बाहर चला गया। अब बचा क्या? R और Br, तो R और Br, This is called alkyl bromide. ये क्या बन गया? Alkyl bromide बन गया। ये था आपका कुछ naming reaction, important reaction of alkyl halide. ये था alkyl halide के कुछ कुछ important naming reaction. So next class हम लोग discuss करेंगे aryl halide के बारे, यानी alkyl halide। आज हम लोग पूरी तरह alkyl halide के जितने भी important reaction था, chemical reaction था, चाहे सिंपल रिएक्शन हो चाहे नेमिंग रिएक्शन हो, एल्काइल हैलाइड के सारे रिएक्शन आज हम लोग कवर कर लिए हैं। और आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत के साथ। सो नेक्स्ट क्लास माय डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एराइल हैलाइड के बारे। किसके बारे? एराइल हैलाइड के बारे, कि एराइल हैलाइड कैसे बनता है और उसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।